आज दिनांक 22 मार्च 27 को श्री अमरनाथ यात्रा लंगर सेवा समिति द्वारा नई धान मंडी स्थित कार्यालय सूरतगढ़ में एक महत्वपूर्ण बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता गौरी शंकर सुथार ने की। संस्था अध्यक्ष किशनलाल स्वामी ने बताया कि बहुत ही जल्द साइन बोर्ड जम्मू कश्मीर द्वारा 2022 यात्रा की घोषणा चंद दिनों में होने वाली है। सूत्रों से खबर है कि पिछले 2 वर्ष कोरोना काल होने के कारण अमरनाथ जी की यात्रा नहीं हो सकी, इसलिए इस बार यात्री भार 3 से 4 गुना ज्यादा होने की संभावनाएं बताई जा रही है। भंडारे की तैयारियां अब जोरों शोरों से करनी पड़ेगी। इसके लिए समिति के सभी सदस्यों को एकजुट होकर दृढ़ शक्ति से कार्य करना पड़ेगा। इसी बीच संरक्षक उदय राम बनिया बताया, रामनवमी शोभा यात्रा कार्यक्रम के दौरान 9 अप्रैल को भगवान भोलेनाथ की सचेतक व अद्भुत झांकियां निकाली जाएगी। सचिव ओम सोनी ने बताया, सभी सदस्य यात्रा में साथ रहेंगे और जहां यात्रा का समापन होगा वहां भोलेनाथ की झांकी द्वारा अद्भुत कार्यक्रम होगा और ठंडा व मीठे शरबत की व्यवस्था सभी राम भक्तों के लिए संस्था द्वारा रहेगी। इस दौरान ओम प्रकाश सारस्वत, रवि गाबा, अश्वनी गैदर, सुशील मोट, बालचंद भोबरिया, मोनू गाबा, प्रेम अग्रवाल, बलदेव तनेजा, मैनेजर सोनू बिश्नोई सहित सदस्य उपस्थित रहे। सूरतगढ़ मारवाड़ी युवा मंच शाखा सूरतगढ़ की आज एक आम सभा रखी गई, जिसमें आगामी सत्र 2022-23 के लिए महेंद्र कुमार जैन को पुनः अध्यक्ष बनाया गया। मंच के अन्य पदाधिकारियों में सचिव कपिल गुप्ता, कोषाध्यक्ष अमित बंसल, उपाध्यक्ष नितेश सोमानी, अंकुर गोयल, हर्ष धनुका, सह सचिव नरेंद्र उपाध्याय की सर्वसम्मति से नियुक्ति की गई। अध्यक्ष महेंद्र जैन ने सभी सदस्यों का आभार प्रकट करते हुए समाज सेवा के कार्य में और ज्यादा कार्य करने का अपना संकल्प को दोहराया। इस सभा में प्रांतीय मुख्यालय उपाध्यक्ष व पूर्व शाखा अध्यक्ष भरत जी मुंडड़ा, पूर्व अध्यक्ष अशोक सोनी, मनीष सोनी, वर्तमान सचिव अंकित कुक्कड़, वर्तमान कोषाध्यक्ष अंजनी चौधरी आदि उपस्थित थे। मंच द्वारा शाखा के प्रांतीय उपाध्यक्ष भरत मुंडड़ा जी को टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने पर शुभकामनाएं दी गई। आज महारानी लक्ष्मीबाई टीम सूरतगढ़ के कर्मठ कार्यकर्ता राकेश भाई जी के सहयोग से बेजुबान पंछियों के लिए पुराने हाउसिंग बोर्ड के 4 पार्क, एकता पार्क, कैप्टन पार्क, 2 अन्य पार्क में कुल 11 परिंदे लगाकर ठंडा पानी और दाना बाजरी की व्यवस्था किया गया। इस कार्य में राकेश भाई जी के साथ साथ भतीजी हिमानी, ऋचा भतीजा ध्रुव ने पूरा सहयोग किया। संस्था प्रधान ने गर्मी के मौसम को देखते हुए सभी शहरवासियों से अपने स्तर पर पंछियों के लिए दाना और पानी की व्यवस्था करने की मांग भी की।